हो गया। चलें जी, लोगो बनाए थे कुछ लोगों ने, जल्दी से उसको देखते हैं और देन फिर हम आज हम सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना सीखेंगे। जो भी असाइनमेंट, जो भी काम करेंगे हम क्लास में, आप एज ए असाइनमेंट उस चीज को करके लाया करेंगे। डेली मुझे याद नहीं रहता बार बार वो कहना कि आप लोगो बनाए तो लोगो बना के लाएं। आज पोस्ट डिजाइन करना सीखेंगे तो आप पोस्ट डिजाइन करके लाएंगे। वाह, पिक्सेल लैब और उर्दू डिजाइनर, ये भी दो एप्लीकेशन हैं, एंड्रॉयड के लिए हैं, आईओएस पे अवेलेबल नहीं है, और इन पर भी काम करेंगे हम। इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, प्रॉपर शायद लेक्चर ना हो पाए। अभी फिलहाल कैनवा की तरफ आते हैं जी। सॉरी, मैं व्हाट्सएप खोल रहा था, मुझे लोगोस देखने थे। इसमें लोगोस कहाँ से शुरू हुए? अच्छा, ट्राई कीजिए कि लोगों में एक तो वेक्टर्स होने चाहिए, पहले ही आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। इस तरह के बैकग्राउंड के साथ आप ना चलें, पीछे एक इमेज है, वेक्टर है। बेशक वेक्टर कहते हैं किसी भी हैंड ड्राइंग को कहने चलें आसान जुबान में, वैसे वेक्टर और रास्टर दो अलग चीज़ें हैं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे किसी एडवांस क्लास में। तो अभी कैमरा है पीछे, वो पिक्सल्स की तरह का एक उसको कहते हैं शटर स्पीड की तरह, या अपर्चर समथिंग लाइक दिस, उस तरह का पीछे साइन आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा दोनों चीज़ें। एक चीज़ को यूज़ कीजिए, पहले ये चीज़ थी। दूसरी ये कि जो आपने दीदार लिखा हुआ है, इसको अगर कैपिटल में करेंगे और नीचे फोटोग्राफी स्टूडियो का है जो, यहाँ पर ये देखें कि इस चीज़ को नीचे वाले टेक्स्ट को ऊपर वाले टेक्स्ट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये वाला टेक्स्ट इसके अंदर ही रहना चाहिए, यहाँ तक ये इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, इधर से ये आर तक इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, इसके अंदर नीचे वाला टेक्स्ट आना चाहिए, और नीचे वाले टेक्स्ट पर थोड़ा सा राइट करेंगे और फर्स्ट लेटर फोटोग्राफी का कैपिटल है, स्टूडियो का स्मॉल है, या तो दोनों स्मॉल कर दें या दोनों फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों का ख्याल रखें लोगो बनाते वक्त। लोगो चूंकि आपका आपकी पूरी ब्रांडिंग ही लोगो पर होती है, तो लोगो पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये है, ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था जब मैंने छोटा किया हुआ था लोगो, तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, या इसका बैकग्राउंड चेंज करें और कलरिंग चेंज करें थोड़ी सी, फिर क्लियर होगा ये लोगो। और दूसरा, ये लाहौर जो है वो सेंटर में नहीं है, तो मेक श्योर करें कि ये सेंटर में हो, यहाँ पर ऐसे करके आधा इधर और आधा इस तरफ लाएंगे। ठीक है, ये हो गया, देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। ये काफ़ी लोगों ने मेरे ख्याल इस टेम्पलेट को यूज़ किया हुआ था। ठीक है, मैं कुछ कह नहीं सकता, ये फॉन्ट ठीक नहीं है नीचे वाला, प्रॉपर लोगो की लुक नहीं आ रही। किस चीज़ का लोगो है, क्या ब्रांड है, किस चीज़ का ब्रांड है जिसका आपने लोगो डिज़ाइन किया है, कहाँ पर शो होना है, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपने मिस किया है इसके अंदर। सेम थिंग, अब ये देखिए कि लोगो के अंदर इतना ज़्यादा मवाद होना नहीं चाहिए, मवाद ठीक है इसमें, बट ये लोगो की लुक दे नहीं रहा। एक तो देखिएगा कि लोगो आपका प्रोफाइल पिक्चर पर लगता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होता है, सर्कल की फॉर्म में होता है, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ पर, ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, उसके अंदर चौधरी एसोसिएट्स ऊपर ये लिखिएगा, ऊपर ये वाला आइकन लगाइएगा सबसे टॉप पर, फर्स्ट वन ये आएगा, सेकंड पे फिर ये लिखिएगा चौधरी एसोसिएट्स, नीचे करके इनकी जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन चौधरी एंड एसोसिएट, इसको कम कीजिए थोड़ा सा, और इसको एक ही लाइन में लिखने की कोशिश कीजिए, एक लाइन में लिखेंगे थोड़ा स्मॉल हो जाएगा और रियल एस्टेट एजेंट नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, और कलर बहुत ज्यादा यूज होगा। बस आंटी माइक म्यूट कर दीजिए, मैं और मुझे फिर उधर जाना पड़ेगा, मोहम्मद तौसीफ अहमद काइंडली माइक म्यूट कीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे बार बार वहां से जाके फिर म्यूट करना पड़ेगा। मोहम्मद तौसीफ अहमद अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली माइक म्यूट कीजिएगा, भाई खुद ही करना पड़ेगा।
मैं यहाँ तो क्लास पढ़ा सकता हूँ, यहाँ ये वाले काम कर सकता हूँ। हो गया, चलिए फिर मैं ना वही कर देता हूँ, म्यूट ऑन कर देता हूँ। और फिर तो इसमें इस चीज का ख्याल रखिएगा, सर्कल में होना चाहिए, आइकन ऊपर होना चाहिए, कलर बहुत ज्यादा यूज हुए में, और कलर इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखा करें कि कल भी मुझे ये बात बताना भूल गई कि जब आप दो कलर इस्तेमाल करते हैं तो दोनों लाइट कलर नहीं होने चाहिए, एक कलर लाइट हो एक डार्क हो। मिसाल दूंगा ऐसे ही, अगर आप व्हाइट के ऊपर येलो टेक्स्ट से लिखेंगे तो येलो टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं जाएगा। कल किसी ने जो थंबनेल बनाया था उसमें इस तरह की मिस्टेक्स थी, मुझे कल डिस्कस करने का मौका नहीं मिला। तो कलर जब भी यूज करें एक कलर लाइट होना चाहिए एक कलर डार्क होना चाहिए, इस तरह के कम्बिनेशन के साथ आप कलरिंग स्कीम लिया करें। ओवरऑल ये लोगो बनाना एक अच्छी काविश थी, इस चीज का बस आप ख्याल रखेंगे। आइकन ऊपर चला जाएगा, चौधरी एसोसिएट नीचे आ जाएगा, एक ही लाइन में रखिएगा रियल एस्टेट एजेंट और चौधरी एसोसिएट, इन दोनों का फॉन्ट भी चेंज कीजिएगा। चौधरी एसोसिएट का फॉन्ट अगर चाहिए ठीक है, बट जो रियल एस्टेट एजेंट है फिर उसका फॉन्ट आप थोड़ा सा नॉर्मल फॉन्ट यूज करेंगे। अब ये देखें इस तरह के काम ग्रुप में ठीक नहीं है, फिर मैं रिमूव कर दूंगा तो वो गुस्सा कर जाते हैं कि रिमूव क्यों किया गया है। अच्छा जी क्या था अब ये, आई डोंट नो किसने भेजा है, क्यों भेजा है समझ नहीं आई मुझे। यहाँ तो इन्होंने कैनवा पे डिजाइन नहीं किए हुए, कहीं और किए हैं। बहरहाल लीव इट, ठीक है ये भी सर्कल का स्ट्रोक थोड़ा कम कीजिए, वेट कम कीजिए इसका, बाकी ठीक है। इसके अलावा ये भी ठीक है, पता नहीं चल रहा लोगों किस चीज़ का है, ये देखिए पता चल रहा है ना, रियल एस्टेट का लोगो है, इसका पता नहीं चल रहा किस चीज़ का लोगो है। अब लोगों के अंदर सिर्फ कम से कम चीज़ें ऐड होती हैं, अब ये चीज़ लोगों का पार्ट नहीं है, ये चीज़ लोगों का पार्ट नहीं है, सिर्फ ये लोगो है। ऑनलाइन फोन शॉप है, आईफोन रिपेयर है, ये क्या लिखा हुआ है, ये नाम किस चीज़ का है ये नहीं पता, ये फोन का लोगो है, मोबाइल शॉप का लोगो है ये नहीं पता चल रहा, तो किस चीज़ का लोगो है आपने इसको भी मेक श्योर करना है। उसके अंदर कोई आइकन ऐसा ऐड कर दें ताकि पता चल जाए किस चीज़ का लोगो है। कादरी रियल एस्टेट, लोगो में कभी नंबर नहीं आता, ये याद रखिएगा, लोगो में कभी भी नंबर ऐड नहीं करता, लोगो में सिर्फ आपका आइकन आता है आपका नेम आता है जस्ट, बाकी लोगों ठीक था। सॉफ्ट स्किल डिजिटल लर्निंग, ये क्या चीज है, कोई इंस्टीट्यूट है क्या चीज है, ये कोई मार्केटिंग एजेंसी है क्या है, ये क्लियर नहीं है लोगों। साजिद एंड को ट्रेडिंग कंपनी है, इसको भी सर्कल में कीजिए, कोशिश कीजिएगा लोगों के अंदर इस तरह क्या, ये चीज ठीक नहीं है, इमेज ठीक नहीं है, वेक्टर यूज कीजिए, कोशिश कीजिए वेक्टर इस्तेमाल करें, यानी हैंड ड्राइंग चीजें इस्तेमाल करें। उसके बाद ये टेक्स्ट सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में कीजिए, एफ कैपिटल कीजिए, फॉर्मल बर्ड, किस चीज का लोगो है ये भी नहीं पता चल रहा, बर्ड बेचते हैं, बर्डों का इलाज करते हैं, आप वेटनरी डॉक्टर हैं क्या हैं, ये थंबनेल है। ये देखें जब आप व्हाइट के ऊपर येलो टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, येलो या ऑरेंज में कोई शेड तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो काइंडली एक लाइट कलर हो एक डार्क कलर हो तो इसके साथ आप खेलिएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक ये लोगोस आए हुए थे, ये फंक्शनल नहीं है प्रॉपरली, क्यों भाई फंक्शनल नहीं है, लोग ज्वाइन करके बैठे हैं, ठीक है जी। तो ये था गन मैसेजेस आए हैं, ठीक है जी चलते हैं पोस्ट बनाने की तरफ, टाइम वेस्ट किए बगैर। अच्छा पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज मैंने जो थंबनेल के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था उसमें बताई थी कि जब भी आपने कोई चीज बनानी है तो आपने मेक श्योर करना है कि सबसे पहले उसका साइज लेना है कि कहाँ पे शो होनी है। ये सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे शो होनी है, फेसबुक पे शो होगी, इंस्टा पे होगी, लिंक्डइन पे होगी, इस तरह की एक दो जगहों पर होगी। तो आपने सबसे पहले साइज ले लेना है। मुझे चूंकि फेसबुक पोस्ट लेट से कि आज मुझे बनानी है, तो मैं क्या करूंगा टॉप पे जाके यहाँ लिखूंगा फेसबुक पोस्ट,
फेसबुक पोस्ट लिखूंगा, नीचे ये थर्ड नंबर पर आ गया फेसबुक पोस्ट। अब फेसबुक पोस्ट का मैंने वो ले लिया, साइज ले लिया। अब मुझे ये बताना होगा कि फेसबुक पोस्ट जो है वो किस चीज के लिए बनानी है। मैं कोई पोस्ट करवा रहा हूँ मुझे उसकी पोस्ट बनानी है, मेरा क्लिनिक है मुझे उसकी पोस्ट बनानी है, मेरा रियल एस्टेट का काम है उसकी पोस्ट बनानी है, मुझे जो भी रेस्टोरेंट है मेरा उसकी मुझे मेन्यू डिजाइन करना है फेसबुक पोस्ट के ऊपर, क्या चीज मुझे करनी है, तो मुझे सेकंड नंबर पर वो चीज मेंशन करना पड़ेगी। पहले नंबर पर साइज, सेकंड नंबर पर थीम, या आपका जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जिस हवाले से पोस्ट बनाना चाह रहे हैं वो चीज। अगर नहीं वो मेंशन करनी, फिर आप क्रिएट न्यू पे कर सकते हैं, क्रिएट ब्लैंक के ऊपर। क्रिएट ब्लैंक पे करेंगे तो एक ब्लैंक सा पेपर आ जाएगा, उसके ऊपर आप डिजाइनिंग करना शुरू कर देंगे, अपनी तरफ से एलिमेंट लेके आएंगे। ये बात की चीजें हैं, हम पहले टेम्पलेट्स को एडिट करना सीख रहे हैं। अभी टेम्पलेट्स एडिट हो जाएंगे अच्छे से, देन फिर हम जो है वो बाकी चीजें भी लास्ट क्लास में ब्लैंक पेपर के ऊपर चीजें ड्रॉ करना सीखेंगे। अच्छा, फेसबुक पोस्ट बनानी है हमने। मैं आपके कह रहा हूँ कि मैं थीम में जा रहा हूँ। थीम में जाने के बाद मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि मुझे किस टाइप की पोस्ट चाहिए। हॉलीडे इवेंट है कोई, प्रोडक्ट है कोई, कोई पोर्ट लिखना है मुझे, एडवर्टाइजिंग है, किस तरह की मुझे पोस्ट चाहिए, तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है। रेस्टोरेंट की पोस्ट है, रेस्टोरेंट पे चेक करते हैं क्या क्या उनसे हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। कहाँ गया रेस्टोरेंट, इसको अप्लाई किया। हसन भाई आपने लोगो भेजा है कोई? मैंने लोगो सारे ही चेक कर लिए हैं, बाय द वे उन्होंने कोई बच गया या नहीं। खैर, तो यहां से आपने रेस्टोरेंट की पोस्ट डिजाइन कर लेनी है। मुझे रेस्टोरेंट की पोस्ट सिंपल होनी चाहिए, पोस्ट ज्यादा उसमें कंटेंट ना हो। ये देख लीजिए, टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, अब ये ओपन हो जाएगा आज तो। इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद, अच्छा जी ये खुलता है फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं मैसेज देख लूं अपनी देर, मैंने लोगों सारे चेक कर लिए हैं सन भाई, अगर आपका भी था तो मैंने उसको भी डिस्कस, मैंने नाम नहीं पढ़े आज, बट मैंने चेकआउट सारे कर लिए थे, बता भी दिया था साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अच्छा जी ये है अब एक पोस्ट, अब इसको हमने एडिट करना है। सबसे पहले आपका लोगो लगेगा, इस चीज को हमने रिमूव कर देना, ये नीचे टैग है ये कैनवा वाले लगाते हैं, इसको डिलीट कर देंगे आप। नेक्स्ट पे आपका यहाँ लोगो लग जाएगा रेस्टोरेंट का, ये वाला लोगो कैसे लगाना है वो बताता हूँ। आपने सबसे पहले लोगो डिजाइन कर लेना है, रेस्टोरेंट का लोगो डिजाइन किया आपने, कैसे करना है वो कल हमने सीख लिया। सेकेंड चीज पे हमने फिर यहाँ पर लोगो अपलोड करना है, वो देखिए मैं कैसे करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। लेट्स से अब मैं लोगो मुझे यहाँ पर अपलोड करना है तो प्लस के बटन पे जाएंगे, प्लस के बटन पे जाने के बाद अपलोड के बटन पे जाएंगे आप। अपलोड पे जाने के बाद अपलोड मीडिया, अब जब आप अपलोड मीडिया पे जाएंगे ना तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा, कंप्यूटर में है तो आपको कंप्यूटर वाली गैलरी में, आपके फोल्डर्स खोल देगा, अगर आप मोबाइल पर हैं तो मोबाइल की गैलरी में आपको ले जाएगा। यहाँ से आपने फिर वहाँ से अपना लोगो सेलेक्ट करना है जहाँ भी वो बड़ा हुआ है। मेरे पास कोई PNG है नहीं अभी फिलहाल, तो इसलिए जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन आपने सेलेक्ट कर लिया वो चीज़ आपके पास यहाँ पर इस टैब के अंदर आ जाएगी। जैसे मैंने ये जो तस्वीर है ये सारी अपलोड हुई हुई है, ये तस्वीर है एक, ये अपलोड की थी मैंने सबसे पहले। अब ये देखो मैंने उस पर क्लिक किया, वो यहाँ ले आया मुझे, अगेन वहीं पे जाता हूँ। अब ये सारी ये चीज़ें हैं, ये देखिए ये एक लोगो था किसी कंपनी का, वो अपलोड किया हुआ है, ये एक लोगो था किसी का, ये तस्वीरें अपलोड की हुई हैं, ये एक थंबनेल बनाया था आपके लिए, अगेन फिर उसका थंबनेल को भी एक थंबनेल के ऊपर लगाना था तो उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। अच्छा लेट्स से कि मुझे ये वाला लोगो लेना है जो लास्ट पे है, ये मेरा लोगो है, इस पर मैंने क्लिक किया लास्ट वन, ये लोगो यहाँ पर शो हो गया। अब इसको यहाँ से आपने एडजस्ट कर लेना है, डिस्प्ले साइज पे आपने इसको बनाना है। लोगो ज्यादा बड़ा नहीं होने चाहिए क्योंकि बस नया नया क्लाइंट आता है ना, छोटी कंपनी जब आपसे इस तरह काम करवाती है तो उनका सबसे पहला
मसला यही होता है कि लोगों को बड़ा कर दें बस, और कोई काम नहीं होता। लोगों इस तरह से आपने बिल्कुल कॉर्नर में भी नहीं लगाना, आपके लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए और अपर साइड में भी थोड़ा गैप होना चाहिए लोगों लगाते हुए, इस चीज़ का ख्याल रखिए। लेट से जी लोगो लग गया हमारा, अब हमें क्या करना है कि टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए सबका। बैकग्राउंड को मैं नहीं छेड़ता, इसको नीचे ले आता हूँ, इसको भी नीचे ले आता हूँ, ठीक हो गया। साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें इसका भी, और ऑर्डर नाउ कर दें। वो आप सबने अपने रेलिवेंट पोस्ट में आ देनी जिस जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं। ऑर्डर नाउ लग गया, अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आइए, बीफ बर्गर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको सेंटर में ले आएंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दें यहाँ पर, इसकी अलाइनमेंट करते हैं हम यहाँ से। अलाइनमेंट का बटन कहाँ गया, तो टेक्स्ट लाइन का बटन नहीं आ रहा, फॉर्मेटिंग में, हाँ ये बड़ा। इसको यहाँ पे जहां समझना आए किसी भी चीज की तो काइंडली फॉरन चैट में आ जाइए, मैं समझा दूंगा उसको। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा बाहर निकल गया है ये, यहाँ पर ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या चीज मेंशन करनी रह गई, आपका नंबर रह गया, यानी आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगी आपके रेस्टोरेंट की, नंबर आएगा, वेबसाइट आ जाएगी, या कई लोग सिर्फ खाली नंबर ही लगवाते हैं, तो ये चीजें हैं, वो वेट कर लेती है। अब इसको मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा फिर, इन दोनों को यहाँ। अलाइनमेंट बहुत ही जरूरी है, अलाइनमेंट से बढ़ा देंगे। अब ये वाला मुझे लगता है कि ये बाहर पड़ा हुआ है, ये आपको मार्जिन के साथ भी शो कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ये। इसको भी सेंटर में कर लेते हैं, ये भी सेंटर में हो गया। अब ऑर्डर नाउ, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है, तो प्लस के बटन पे क्लिक किया, एलिमेंट्स में गए, इधर जाके आप एक आइकन लेंगे फोन कॉल का, फोन लिख दीजिएगा, कॉल आइकन लिख दीजिएगा, कॉल आइकन सर्च करेंगे, सवाल जहां कोई मसला हो पूछ लीजिएगा। और गैर जरूरी मैसेज से इस्तेनाब कीजिए। अच्छा जी, यहाँ से कोई भी आइकन ले लेते हैं सादा सा, नेट से जी ये ले लिया हमने, इसका साइज थोड़ा छोटा कीजिए सबसे पहले तो, और छोटा करना होगा, ज्यादा छोटा हो गया। हमें नंबर लिखना है, इसका कलर व्हाइट कर देते हैं, वो ज्यादा वाजे हो जाएगा। कलर कैसे चेंज करना है, जो भी आइकन लेंगे आप नीचे, आप उसके कलर्स पे जाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट हो गया। हमने नंबर ऐड करना है तो टेक्स्ट में जाएंगे, हमने टेक्स्ट लिखना है, नंबर इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपके पास नीचे कुछ टेम्पलेट्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि इनको आप इस तरह की मालूमात के लिए इस्तेमाल ना करें, आप इन चीजों को टाइटल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दीगर इस तरह के काम।
बट आपके पास यहाँ पर जो तीन टेक्स्ट की बार्स आएंगी, सॉरी यहाँ पर ये वाले तीनों मेरे पास न जाने क्यों इस अकाउंट पे ना ये लोड होने में टाइम लेते हैं, आपको बस ये फ़ौरन आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तीनों, तो इनको आप यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद इसको एडजस्ट करके और एडिट कर लेते हैं, नंबर ऐड कर देते हैं, नंबर है जी +92 03 21 1 2 3 4 1 2 3। ठीक हो गया जी, नंबर पूरे हो गए। यहाँ से अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसका कलर भी हमें वाइट ही रखना पड़ेगा ताकि वो नजर आ जाए आसानी से। मैं जी इसको भी अलाइन करना होगा, यहाँ पर आ गया। फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो सादा फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। माउंट सेलेक्ट का समय बोर्ड ले लेते हैं, ये हो गया कलर, अब यहाँ से चेंज होगा। अब इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहा करें, कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा। ये वाला कलर ठीक है, टेक्स्ट थोड़ी सी इसकी चेंज करनी होगी पोजीशन। मीडिया की पोस्ट तैयार है सोशल मीडिया के लिए, अब इसको आप अपलोड कीजिए। बर्गर चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा, बट मेरे ख्याल में कि वो बैकग्राउंड तस्वीर ही है पूरी। हाँ जी पूरी तस्वीर है। एक कोई सवाल है अभी तक तो बताइएगा काइंडली। कोई सवाल उर्दू फॉन्ट कैसे यूज करते हैं? उर्दू फॉन्ट के लिए एक जो आपका सादा अकाउंट है ना, यानी जो आपको फ्री वाला अकाउंट मिलता है, उसमें आपको उर्दू फॉन्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि जो अपने फॉन्ट्स हैं कैनवा के, वो मखसूस फॉन्ट्स हैं, उसके अलावा आप अपलोड नहीं कर सकते फॉन्ट्स को। लेकिन मेरे पास जो अकाउंट है पेड अकाउंट है, अब पेड में भी ऐसे अकाउंट मिलते हैं, अगर आपने किसी की टीम ज्वाइन की हुई है तो वो सिर्फ एडमिन के पास इख्तियार होता है कि वो फॉन्ट्स इंस्टॉल कर ले। मैं जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो मुझे मिल जाए कि ऐसा अकाउंट आप कैनवा का फ्री में ले लें, ऊपर उसके ऊपर आप खुद ही फॉन्ट्स भी अपलोड कर लिया करें। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास खत्म होने से पहले पहले, यानी ये वाला बैच खत्म होने से पहले पहले आप लोगों को वो वाली अकाउंट की एक्सेस दे दूँ या वो तरीका बता दूँ। लेकिन मेरे पास एक्सेस है, मैं यस यहाँ जाकर जाऊँगा एड हेडिंग में और यहाँ पर जाकर मैं कोई भी फॉन्ट लिख सकता हूँ उर्दू का। देखिएगा ज़रा, उर्दू कीबोर्ड लिया, बड़ी अब ये वाला फॉन्ट आप लोगों के पास शो नहीं होगा। चलिए इसको मैं चेंज करता हूँ, बड़ी ये देखिए, अब ये वाला आपके पास नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वही वाला अकाउंट मिले जिसमें आप फॉन्ट अपलोड कर सकें, उससे वाले अकाउंट को फ्री मिल ही जाते हैं। इधर से आ जाएंगे कहीं भी आप एडजस्ट करके उर्दू वाला पोस्टर बनाएंगे तो उसमें आप इजली कर सकते हैं। उर्दू वाला पोस्टर पिक्सेल लैब में फिर आसानी से बना सकते हैं, वहां पर फॉन्ट अपलोड कर सकते हैं खुद से। उसके लेक्चर्स आपको एक दो दिन के अंदर यूट्यूब के ऊपर ही मैं अपलोड करके आपको डिलीवर कर दूंगा। इसका कलर यहाँ से येलो कर लीजिए और इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। और किसी को भी सवाल, फॉन्ट चेंज भी हो जाएगा, इस पे जाएंगे फॉन्ट्स में और यहाँ से मेरी वॉइस नहीं आ रही, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है, हसन भाई का नेट अच्छा चलता है तो उनके पास आ रही है, अगर बाकी किसी के पास नहीं आ रही तो मसला होगा। अच्छा कलर स्कीम के बारे में, ब्रॉड भाई ऐसा है कि
कलर स्कीम में जो फर्स्ट कलर चूज करते हैं वो कलर एसोसिएशन के थ्रू करते हैं। कलर एसोसिएशन से क्या मुराद है कि हर कलर की, हर चीज़ की किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएशन होती है, हर कलर की किसी चीज़ के साथ स्पेसिफिक। आप गूगल पे जाएंगे ना, यहाँ देखिएगा ज़रा, गूगल पे जाएं, यहाँ जाके लिखिएगा, मीटिंग का टाइम कितना बता रहा है, ऑलमोस्ट 8 से 9 मिनट है, मैं जल्दी इसमें कवर करता हूँ। कलर एसोसिएशन, यहाँ देखिएगा जरा, हर कलर की किसी ना किसी चीज का एसोसिएशन होती है। जैसे आपके जहन में अगर स्ट्रॉबेरी आए तो फौरन उसका कलर सबसे पहले जहन में आएगा कि वो रेड है। इसी तरह अब इस इमेज को देख लीजिए, इसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज हैं, लेक्चर्स हैं, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। जो पहला कलर चूज करना है ना वो आप इस एसोसिएशन से करेंगे। अगर खुल जाए इमेज मेरे पास तो पता नहीं, नया नया एंड्रॉइड पे शिफ्ट हुआ हूँ, आईफोन में तो खुल जाती है। खैर ये देखिए रेड है, तो रेड कलर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? एक्साइटमेंट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, लव के लिए, एनर्जी के लिए। जब इस तरह का कोई पोस्टर बनाना है तो रेड कलर का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमें एक्साइटमेंट दिखानी है। इसी तरह अगर आप फूड का कोई पोस्टर बना रहे हैं तो आप उसमें येलो कलर का इस्तेमाल बेहतर करेंगे। येलो या आपका कोई इस तरह का वार्म कलर, वार्म कलर कहते हैं। कुछ कूल कलर होते हैं, कुछ वार्म होते हैं, वो भी डिस्कस मैं नहीं कर पाऊंगा। वो डिटेल में अगर जाते हैं तो उसमें ये कलर एसोसिएशन आती है, टाइम बहुत लग जाता है इस पर। तो आप काइंडली यूट्यूब पे जाके कलर एसोसिएशन का एक टॉपिक का नाम है, कलर थ्योरी लिख लीजिएगा, कलर थ्योरी इन डिज़ाइन, ये टाइटल इस्तेमाल करके आप उस पर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। पहला कलर यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, फिर हम कलर्स के कुछ कम्बिनेशन बनाते हैं। वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, cooler.com है, adobe.color.com है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। मे बी अब आपको समझ ना आई हो प्रॉपर, ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, तो आप काइंडली यूट्यूब पे इसको सर्च आउट कर लीजिएगा। फिर भी ना समझ आए तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, तो डिटेल क्लास बना लेंगे। शायद यूट्यूब पे इसके रिलेटेड क्लास पढ़ी हुई हो, कलर थ्योरी क्लास पढ़ी हुई यूट्यूब पे, कंफर्म नहीं है, देखूंगा, अगर ना हुई तो मैं फिर रिकॉर्ड करवा लूंगा। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये पोस्ट बन गई। अब पोस्ट बनने के बाद आपने इसको क्या हो गया, सारा बैग तो नहीं हो गया, मजीद किसी को भी सवाल है चैट में आए मैसेज। ठीक हो गया, मैं देखता हूँ, पोस्ट डिजाइन की थी, वैसे तो ऑटो सेव हो जाता है, मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। अच्छा जी, कितने मिनट बाकी हैं? 5 मिनट बाकी हैं। सवालात कीजिए, जितने सवाल करेंगे उतनी चीजें नई नई मैं भी बताता जाऊंगा और आप सीखते भी जाएंगे। अब कलर स्कीम के बारे में पूछा तो मैं पहले शायद ना बताता इतना कुछ जितना मैंने बता दिया, इसी तरह और चीजें पूछते जाएंगे तो मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा। इसको डाउनलोड करना है तो ये लास्ट पे बटन है डाउनलोड, डाउनलोड पे जाने के बाद आपने पीएनजी ही रखना है। अब यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये आपके साइज इंक्रीज करते हैं तो आपकी फाइल का साइज एक इंक्रीज होता है, यानी वो एक अच्छे रेजोल्यूशन में तस्वीर आ जाती है। बट फ्री अकाउंट मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा साइज इंक्रीज करने नहीं देता, जितना साइज इंक्रीज करेंगे फाइल का साइज भी बढ़ेगा। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, सिंपल सा तरीका है जी। सवाल कीजिएगा मजीद अगर किसी का सवाल हो तो। 3-4 मिनट बाकी है मीटिंग में, कल फिर आपकी यही असाइनमेंट थी जी। जी मैं फ्री वेरी ट्रिक ही बताऊंगा आपको कैनवा प्रो की, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। मैं कोई ऑथेंटिक वे ढूंढ रहा हूँ, लोग इस्तेमाल करते हैं बट वो एक माह बाद एक्सपायर हो जाता है,
और इस तरह के बहुत से मसले मसाइल आते हैं उसमें। तो मैं आपके साथ एक ऑथेंटिक ट्रिक शेयर करूंगा ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे। तो आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने अपनी किसी भी फील्ड से रिलेटेड पोस्ट डिजाइन करके और सबमिट करवानी है। काम करेंगे तो नए नए सवालात भी जन्म लेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो फिर हम डिस्कस करेंगे उनको। और वो अच्छे से इंस्टाग्राम की पोस्ट बना लीजिएगा। इसके अलावा मैंने फ्रेम लगाना नहीं सिखाया, आज टाइम थोड़ा है अभी। जैसे ये देख लीजिए, मेरे नज़र से गुजरा एक तो मुझे याद आया, ये देखिए 3 मिनट गालिबन बाकी हैं, जल्दी से अगर खुल जाए तो। पेड अकाउंट तो मैं बता दूंगा आपको, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ना, मैं लाजमी मैं इसी पे वर्किंग कर रहा हूँ कि कोई ऑथेंटिक वे मिले। अब मेरे पास भी अकाउंट है बट वो 1 माह 2 माह बाद वो एक्सपायर हो जाता है। उसके लिए फिर आपको मैं प्रॉपर कोई वे ढूंढ रहा हूँ कि वो मिल जाए, ताकि वो अकाउंट भी, एक तो फॉन्ट का मसला आता है उर्दू फॉन्ट का, और दूसरा ये चीज़। अच्छा ये देखिए, ये तस्वीर लगी हुई है, इसी तरह आपको जब टेम्पलेट्स मिलेंगे उनमें तस्वीर लगी होगी, क्लिक करेंगे डिलीट के बटन पर प्रेस करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, एक डिलीट इमेज का ऑप्शन है, डिलीट फ्रेम का। आपने डिलीट इमेज पे क्लिक करना है, ये फ्रेम, इसको फ्रेम बोलते हैं। वो पहले कह रहा था फ्रेम डिलीट करना है, इमेज, मैंने इमेज डिलीट कर दिया। अब आपने अपनी इमेज लगानी है तो आप अगेन अपलोड्स में जाएंगे, गैलरी से अपनी कोई भी तस्वीर उठा के आप यहाँ लेके आएंगे। लाने के बाद लेट से कि ये तस्वीर है आपकी, इस पर क्लिक किया। अब इसको अपने फ्रेम के अंदर कैसे एडजस्ट करना है, आप इसको पकड़ेंगे और जैसे ही इसके फ्रेम के ऊपर लाके छोड़ेंगे तो ये देखो, अगर इसका बैकग्राउंड होगा तो बहुत अच्छा लगता। अगेन फिर आप इसको, इसका साइज यहाँ से डबल टैप करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये रेंज, ये इमेज लगी। तो इस तरह से आप फ्रेम के अंदर अपनी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जी, आज के लिए इतना ही है। आज हमने सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखा। काइंडली लाजमी असाइनमेंट बनाया करें, बनाएंगे तो वो आपके काम भी आएगी और सवालात भी आएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे भी। तो खत्म करते हैं, मजीद कोई चीज हुई मेरे पास जहन में आज के लिए तो मैं फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसको। आप बहुत सा ख्याल रखिएगा, सवालात बहुत कम पूछते हैं आप लोग, सवाल पूछते रहा करें। मीटिंग तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ सेकंड्स ही बाकी है, चैट बॉक्स देख लूं जल्दी से। जी, अलाइनमेंट लाइन खुद ही आती हैं, आप उसको करेंगे तो आ जाएंगी, अगर नहीं आएंगे तो मुझे बताइएगा। ब्रेक सेटिंग होती है, डिफॉल्ट में आ जाती है वैसे, अगर आपने उसको नहीं किया होगा तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।